नमस्कार, मैं रूपाली। आप सभी का स्वागत है डी न्यूज की खास पेशकश पानी में समस्तीपुर शहर। जी हाँ, इस कार्यक्रम में मैं आपको समस्तीपुर शहर के हर एक वार्ड, सड़क, नाला, घर व चौक चौराहे का दृश्य दिखाऊंगी। जिस तस्वीर को आप देखते ही कह उठेंगे कि समस्तीपुर में पानी नहीं, पानी में समस्तीपुर शहर है। जी हाँ, आपका कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। समस्तीपुर शहर के हर एक नागरिक जल जमाव की समस्या से परेशान है। लोग अपनी समस्या कहे भी तो किससे कहे, आखिर सुनने वाला कोई तो हो। समस्तीपुर शहर के थाना से लेकर पौस इलाका सहित जलमग्न है।
जी सर। आइए। अच्छा यहाँ पानी लगा हुआ है। हम कुछ बोलिए क्या, आप नहीं गए हैं क्या, अंदर नहीं गए हैं क्या? अंदर गए तो क्या स्थिति है, अंदर पानी है या नहीं? मतलब स्कूल में पूरा पानी भरा हुआ है, कॉलेज में? ठीक। सर ये कहाँ से पानी आया, बाढ़ तो नहीं आ गया क्या? बाढ़ नहीं, ये जल जमाव से जो है निजात का व्यवस्था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा नहीं किया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा सका है, इस कारण जो ये होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो खाली पड़ा जो जमीन गड्ढा नली नाला वाला जो है उसका पानी जो है पीछे के रास्ते कैंपस में जो है घुसता है, कैंपस के रास्ते जो है जाता है,
अब तो ये स्थिति हो गई है कि यहाँ पर जो है कभी भी कोई महामारी तक फैल सकती है। कैसे रात आपने गुजारा, पूरी रात पानी है या पहले से लगा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल आज ही जो है ये स्थिति आई है। पिछले साल भी आई, तो पिछले साल भी व्यवस्था के नाम पर कुछ खास नहीं किया गया था, केवल नाला जो नाला वर्तमान में बना हुआ है उस नाले के माध्यम से ही निकासी की जा सकी थी जल की। लेकिन नाले का जो है, जब तक पर्याप्त नाले का निर्माण नहीं हो जाए तो अभी अड़ोस पड़ोस में सबके घर में पानी लगभग किया हुआ। होल्डिंग टैक्स आप लोग देते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। म्युनिसिपल एरिया में अभी नहीं, 30 साल से दे रहे हैं। जब दे रहे हैं तो फिर सुविधा को क्या दे रहे हैं नगर परिषद, ये जानना। ये तो नगर परिषद जो सुविधा दे रही है साफ सफाई के लिए, वही कचरा वाली गाड़ी आती है तो कचरा डालने की बात है बस। और दूसरा पहले था कि उसमें जो वाटर टैक्स लगता था, एक्चुअल तो पानी का कोई व्यवस्था तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कोई पहले से नहीं था। अब जो है ये क्या जल जीवन हरियाली करके जो है कोई योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना आया है उसके तहत जो है पाइप भी मोहल्ले में जगह जगह घर में लगाया गया है। लेकिन उसका कोई खास औचित्य नहीं है क्योंकि कभी पानी आती है कभी नहीं आती है, तो अभी तो पानी की बात नहीं है, अभी आने की बात नहीं है, अभी जल जमाव से निजात पानी की बात है। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँ कि जन समस्याओं को उठाने के लिए जो है आपका ये प्रयास जो बहुत ही सराहनीय है। और मैं अपनी राय में और अपने खुद की तरफ से जो है और मोहल्लावासियों की तरफ से अनुरोध करना चाहूँगा जिला प्रशासन से और नगर परिषद, नगर वर्तमान जो नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से हम आप लोग से उनसे अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप जल्द से जल्द जो है जल निकासी की व्यवस्था करें ताकि जीना जो है संभव हो सके। क्योंकि कभी भी महामारी चल सकती है, अभी कोरोना के समय चल रहा था, उससे लोग जो है बचाव के लिए घर में थे और घर में अब रहने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब तक जल जमाव नहीं समाप्त होगा, जल जमाव लगा रहेगा तब तक जो है पानी की समस्या जुड़ने वाला। ये समस्या केवल आप ही के साथ है या अन्य लोग भी आपके मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में अन्य लोगों के साथ भी है, आप देख सकते हैं बगल में ये गली है, रास्ते का गली है और उसमें भी देखेंगे उसमें भी पानी लगा हुआ, घर की बात तो दूर है। अच्छा, बहुत लोगों के घर में पानी है, नाले का पर्याप्त व्यवस्था नहीं, इधर नाला कोई नहीं बना हुआ, पीछे की तरफ जो है पूरा नाला। अच्छा, आप समस्तीपुर डाकघर में एक आधिकारिक पोस्ट पे कार्यरत थे, अभी भी आप एक आधिकारिक रूप से कार्यरत हैं डाकघर में, तो फिर आप लोगों को भी सुविधा नहीं मिल पाती है क्या? ऐसे तो कुछ नहीं है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम सभी नागरिक हैं, म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं हम लोग सभी नागरिक हैं, वो अलग बात है। इधर बात है कि हम विभाग में किस पद पर काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए सेवा के लिए जो हम लोग हैं तो वो तो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज जो है मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बोलता हूँ, मैं एक स्थानीय निवासी की हैसियत से बोलता हूँ, एक वार्ड में रहने वाले एक नागरिक की हैसियत से बोलता हूँ कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दायित्व है, जिला प्रशासन का दायित्व है कि हम लोगों को जो है पर्याप्त जो है सुविधा मुहैया कराए और होल्डिंग टैक्स का सही मायने में जो उसका उपयोग कर किया जाए।
वहीं दूसरी खबर समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के आधारपुर की है, जहां मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। जी हां, जल जमाव का विवाद इतना बढ़ा कि संवैधानिक पद पर रहने वाले ने हत्या कर दिया। वहीं इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने दो अन्य हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। समस्तीपुर जिले के DM SP सहित सभी अधिकारी मामले को संभालने के लिए कैंप कर रहे हैं घटनास्थल पर। दो पक्षों में आपसी विवाद था नाली को लेकर के, उसी को हम लोग देखने आए और दो लोगों की मृत्यु भी हुई है, हम लोग उसका निरीक्षण करें और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसको थोड़ा ये घटना रोड पर बारिश का चुकी अब सीजन है, बारिश की पानी जमा हुई है, तो बारिश की पानी को एक साइड से दूसरे साइड निकालने को लेकर एक विवाद हुआ था। इसी विवाद के क्रम में एक श्रवण राय हैं जो है कपूर मुखिया बताए जाते हैं और एक उप मुखिया हैं मोहम्मद हसन का घर उनके सामने श्रवण राय का घर बिल्कुल। समस्तीपुर जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे जिस क्षेत्र में आप चले जाएं, IAS IPS से लेकर फिल्म जगत में यहाँ के लोग हैं। आज मैं आपको समस्तीपुर फिल्म सिटी के कुछ सक्रिय सदस्यों से मिलाऊंगी, जिन्होंने कम संसाधन में एक शॉर्ट फिल्म बनाया है। फिल्म का नाम है तेरा क्या होगा गब्बर। इस फिल्म में कलाकार से हमारे सहयोगी रोशन चौधरी आपको मिलाएंगे। न रहो निराश, करो मन को कुछ काम, करो कुछ काम करो। नमस्कार, मैं रोशन चौधरी और आप देख रहे हैं DNews केवल सच। समस्तीपुर फिल्म सिटी के सक्रिय सदस्यों के द्वारा एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है तेरा क्या होगा गब्बर। सबसे बड़ी बात है कि यह फिल्म समस्तीपुर में बनाई गई है और इस फिल्म के जो भी किरदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस फिल्म के मुख्य किरदार गब्बर विनय सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। गब्बर के बारे में आपका आइडिया कहाँ से आया और इसका निर्माण आपने कब सोचा, इसकी जानकारी हमारे साथ। सबसे पहले DNews परिवार और इसके संचालनकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक कोना में बैठे हुए कलाकार को खोजते हुए आप लोग आए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यह फिल्म निर्माण करने की जो जिज्ञासा प्रेरणा हमें मिली, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मूल रूप से रंगकर्मी हूँ। विगत 40 वर्षों से रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ। इस कोरोना काल में हमारे कलाकार जो हमेशा कहा करते थे अंकल अब क्या होगा, हम लोग तो स्टेज नहीं कर पाएंगे, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं इन लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए लघु फिल्म का निर्माण करूं। इसी क्रम में मैंने पिछले प्रथम लहर के समय में भी कोरोना पर एक फिल्म बनाया और तरह तरह से फिल्म बना करके एक प्लेटफॉर्म दिया आर्टिस्ट अड्डा, बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े। उसके बाद
चित्रगुप्त फिल्म सिटी चित्रगुप्त पिक्चर्स के बैनर तले हमने रिलीज करना प्रारंभ किया। लेकिन हरेश्वर कुमार दादा, मैं इनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ एक फिल्म सिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और हम सारे लोग जुड़ गए इसको सक्रिय करने में, आगे बढ़ाने में। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में समस्तीपुर फिल्म सिटी, समस्तीपुर के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जो दूर दूर तक अपनी रोशनी को बिखेर कर दूर दूर के कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करे। आपके फिल्म में तीन कलाकार हैं, गब्बर, सांभा और कालिया। आपने गब्बर का रोल किया है, गब्बर काफ़ी चर्चित नाम रहा है। यह रोल करने के लिए जो आपको परेशानी आई है वो सब क्या क्या? देखिए, इस फिल्म में 5 किरदार हैं और जब हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया कोरोना पर चकमा, उसके बाद मन में एक भावना आई कि जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं, आज तनाव में जी रहे हैं, उनके लिए एक क्षण, एक पल हंसी का लाओ। तो हमारे एक मित्र हैं जो इसे लघु फिल्म के लेखक भी हैं, डॉक्टर अमरनाथ झावत्स, उनसे फ़ोन पर वार्तालाप होती रही, डिस्कशन हुआ और स्टोरी तैयार किया गया कि आज से 40 वर्ष पूर्व गब्बर क्या था और आज अगर गब्बर वास्तव में किरदार जिंदा होता तो कैसा होता, और इसी पर एक तैयार किया गया और ये हमने हास्य वीडियो सुमित सिन्हा सर, ऑलराउंडर अभिषेक सर, कुमारी सृष्टि सुमन और बाबू धीरज सिंह, ये 5 लोगों के बीच लेकर सुमित सिन्हा के निर्देशन में ये लघु फिल्म तैयार। फिल्म तैयार करना काफ़ी कठिनाई का काम होता है, ऐसे में बिहार के समस्तीपुर जैसे छोटे शहर में रहकर फिल्म निर्माण की प्रेरणा आपको कहाँ से? कहावत है ना, न रहो निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, यह है जन्म हुआ किस अर्थ अब। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा और इसी विचार के तहत हम लोगों ने मोबाइल के द्वारा ही यह काम प्रारंभ किया और इसमें सफलता मिलती जा रही है। लगभग 10 लघु फिल्मों का हम लोगों ने अब तक निर्माण किया है और कारगर ढंग से सफलता मिली है, लोगों की सराहना मिली है, विचार मिले हैं, सुझाव मिले हैं, जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी विचार और सारे संभावनाओं के साथ मैं फिल्म सिटी को भी प्रेरित करूंगा, उसमें लगूंगा और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे ईश्वर की इच्छा निश्चित है होगा। एक बात और जानने की इच्छा हो रही है आपसे कि यह फिल्म जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब तेरा क्या होगा गब्बर, यह फिल्म अगर दर्शक देखना चाहेंगे तो वो किन किन प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं और कहाँ मिलेगा? ये फिल्म फिल्म सिटी प्लेटफॉर्म हुआ, सब समस्तीपुर फिल्म सिटी के प्लेटफॉर्म पर, चित्रगुप्त पिक्चर यूट्यूब चैनल पर, आर्टिस्ट अड्डा फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। आप समस्तीपुर में और भी बहुत सारे छोटे मोटे कलाकार हैं और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी कलाकारों को यह कहना चाहता हूँ, कला तो सबके अंदर है, कोई दब जाता है, कोई खिल जाता है, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाओ। आप फिल्म सिटी से जुड़े, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग प्रेरणा देने वाले हैं, प्रशिक्षण करने वाले हैं, आप प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने आप को निखार सकते हैं, बना सकते हैं। और सभी कलाकारों से मेरा आग्रह है, अरे अब मेरी उम्र 63 वर्ष, क्या पता
तो बोनस में हम जी रहे हैं। अगर सभी कलाकार जुड़ते हैं बिना भेदभाव के, अगर भेदभाव मन में हम रखे होते हैं तो 40 वर्षों तक रंगमंच से नहीं जुड़ पाते। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग हैं रेल में काम करते हुए। मैं आपको बताऊं, मैं टिट इंस्पेक्टर हुआ करता था, मैं रिटायर किया, मंडल कला समिति का प्रभारी भी था, रेल के कलाकारों को भी जोड़ता था और बाहर प्राइवेट कलाकारों को भी जोड़ने का प्रयास करता था। कहीं से पता चलता था कि ये कलाकार है, मंच पर आने की इच्छुक है, मैं जोड़ता था। अपने कहानी में उस किरदार को बढ़ा करके मैं उस कलाकार को मंच पर लाने का प्रयास करता था, जो कभी कभी अनावश्यक भी होता था। लोग कहते थे काहे जोड़ रहे हैं, तो इसलिए जोड़ रहे हैं कि आने वाले समय में एक कलाकार। तो जितने समस्तीपुर में कलाकार हैं या जो भी लोग डी न्यूज़ के माध्यम से सुनेंगे समझेंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि वो फिल्म सिटी जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, समस्तीपुर फिल्म सिटी जो तैयार हो रहा है, उससे जुड़े और अपने सुझाव के साथ, एक सार्थक सोच के साथ अच्छी पहल समस्तीपुर। इस फिल्म के बाकी कलाकारों के भी आपको मैं मिलवाता हूं और उनसे जानेंगे उनका नाम परिचय और क्या क्या रोल रहा है। जी, मेरा नाम सुमित सिन्हा है और इस लघु फिल्म में मेरा सांभा का किरदार था। गब्बर, अब तेरा जमाना गया, अब है नया फसाना, करके कुछ हमारा डायलॉग था, अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, फिल्म में आप देख सकते हैं। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। डी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने जो इंटरव्यू लेकर हमारे हम जैसे कलाकारों को आगे बढ़ाने का एक जो कदम उठाए हैं, इसके लिए सच्चे दिल से धन्यवाद। मेरा ये लघु फिल्म में मेरा जो रोल रहा है वो कालिया का रहा है और बहुत काफ़ी मेहनत पड़ी है और एक्चुअली आउटडोर शूट बहुत कम है ही नहीं लगभग, तो इंडोर शूट ही किया गया है। गब्बर गब्बर, अब तेरा क्या होगा, क्योंकि हम लोग बन गए हैं सरकारी गवाह, क्योंकि हम लोगों को नहीं है किसी चीज़ की परवाह। जी, मेरा नेम है धीरज कुमार और मैं इस फिल्म में एक्चुअली थोड़ा देर का रोल मिला है एसपी का और उसके बाद मैं इस वीडियो का एडिट किया हूँ। समस्तीपुर फिल्म सिटी से जुड़े समस्तीपुर में जितने भी कलाकार हैं उनको इन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया।